एवरीवन, नमस्ते। मेरा नाम पायल है। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर से एक पिका कार्ड रीडिंग करने आई हूँ और ये रीडिंग रहेगी आपके पास्ट लाइफ का कनेक्शन आपके करंट लाइफ से, स्पेसिफिकली इन योर लव लाइफ, और अगर कोई और मैसेज होगा तो साथ ही में आपके लेसन्स क्या थे और दूसरा आपका आपका हायर सेल्फ आपको क्या कहना चाहते थे, या कोई और मैसेज है एंजल्स स्पिरिट गाइड्स की तरफ से आपके लिए। तो ये लव लाइफ पे फोकस है। यू कैन बी सिंगल, यू आर ऑलरेडी डेटिंग और रिलेशनशिप में हो, या फिर ऑलरेडी मैरिड हो। इट कैन बी अप्लाई टू एनी वन। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, तो आप कोई भी जेंडर के हो सकते हो। आपको बस ये देखना है, ओपन रहना है टू अंडरस्टैंड कि क्या हो सकता है। वन, दूसरा ये कलेक्टिव एनर्जी के लिए है, तो आप एक से ज़्यादा डेक के तरफ भी अट्रैक्ट हो सकते हैं। और हमारी एक लाइफ टाइम्स नहीं होती, हमारी कई सारी लाइफ टाइम्स होती हैं, तो उसके वजह से भी हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं बहुत सारे लेसन और अंडरस्टैंडिंग, तो वहाँ से भी हो सकता है मैसेज। दूसरा, आप इससे रेजोनेट कर पाओ या शायद नहीं कर पाओ, आपको जो लगता है आपके लिए वो आप लीजिए और बाकी का आप ड्रॉप कर दीजिए। ओके, तो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको ग्रैटिट्यूड बोलना चाहती हूँ, आप सबको एक्सप्रेस करना चाहती हूँ, थैंक यू बोलना चाहती हूँ फॉर ऑल लव, एनकरेजमेंट, फीडबैक्स, कमेंट्स, सब्सक्राइबर्स, जो भी आपका फीडबैक रहा है उसके लिए थैंक यू सो मच फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट, फ्रॉम ऑल द एनकरेजमेंट, थैंक यू सो मच। और क्योंकि हम एक डिफ़िकल्ट टाइम से जा रहे हैं, तो मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आप ट्रस्ट को चूज़ करिए, सेफ रहिए, गाइडलाइंस फॉलो करिए, ये जो सिचुएशन है वो चली जाएगी। और हम सब कलेक्टिवली एक अवेकनिंग की तरफ जा रहे हैं, होपफुली हम जल्दी अपना लेसन समझें और हम आगे बढ़े हमारे लाइफ में। ओके, तो हमें आपको करना क्या है, आपको एक लंबी गहरी सांस लेनी है, धीमे से छोड़नी है और अपने आप से पूछना है कि मुझे क्या समझने की ज़रूरत है अपने पास्ट लाइफ से, या मेरे क्या लेसन्स हैं जो मुझे अभी समझने हैं, या मुझे क्या अप्लाई करना है, और क्या मैसेज है आपके लिए, आपके लव लाइफ के लिए। और आपको जब कंफर्टेबल लगे तो आपको तीनों में से एक सेट चुनना है। तो पहला सेट है स्पाइसी लेदर, सेकेंड सेट है ग्रीन टी, थर्ड सेट है लेमन ग्रास। ओके, तो आपको इन तीनों में से एक सिलेक्ट करना है, और आपको, या एक से ज़्यादा भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और आपको मैं टाइम स्टैम्प डालूंगी, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं स्पाइसी लेदर से, बाकी के सेट मैं अलग रख देती हूँ। सो मैंने डिफरेंट क्वेश्चंस डाले थे, डिफरेंट सेट ऑफ कार्ड्स यूज़ किए हैं, जिन्होंने भी स्पाइसी लेदर चूज़ किया है, वेलकम बैक। देखते हैं कि आपके लिए पास्ट लाइफ से क्या मैसेज है, या आपकी पास्ट लाइफ कैसी थी वो देखते हैं, आपके लेसन्स क्या थे और आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है वो देखेंगे, हम देखेंगे कि आपको क्या सरेंडर करना है, और एंजल्स का मैसेज क्या है और हायर सेल्फ का मैसेज क्या है। तो हो सकता है थोड़ी सी रीडिंग शायद लंबी हो सकती है, स्टे ट्यून्ड। ओके, सो देखते हैं। ओके, तो पहला कार्ड है लव लाइफ, वाओ। सेकेंड कार्ड है ट्रांसपोर्टेशन, थर्ड कार्ड है सेलेक्टिक, फोर्थ है वाओ। तो पहला ही कार्ड है, डेफिनेटली आपकी लव लाइफ कहीं हद तक अफेक्टेड है आपके पास्ट लाइफ से, और ये लव लाइफ में मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि दो चीज़ें लग रही है। एक तो मुझे थोड़ा सा अबैंडनमेंट लग रहा है, कि हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको छोड़ा हो या आपने आपके पार्टनर को छोड़ा हो लाइफ में, नॉट बिकॉज ऑफ, आई एम नॉट सेइंग कि फॉर समथिंग स्पेसिफिक रीज़न, अभी मुझे नहीं दिख रहा है, मैं देखती हूँ कि अगर मुझे आता है तो इनसाइड, बट मुझे लगता है कि उस वजह से, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कार्ड आया है, तो हो सकता है आपके पार्टनर ट्रैवल कर रहे हो और फिर मतलब अचानक से आपको पता चला है कि नो यू आर नॉट टुगेदर। सो देखिए कि आपको इस लाइफ में इश्यूज़ हैं विथ रिगार्ड्स टू फीलिंग ऑफ अबैंडन, यानी छोड़ देने का एक जो फियर होता है कि आपका पार्टनर आपको छोड़ देगा, वो एक हो सकता है, या थोड़ा सा क्लिंगीनेस हो सकता है कि आप आपके पार्टनर से थोड़े क्लिंगी हो या आपका पार्टनर आपसे क्लिंगी हो, वो एक इशू हो सकता है। और
क्लिंगी इज नॉट नेगेटिव और पॉजिटिव बट इट इज अनहेल्दी. ओके, तो ट्रांसपोर्टेशन मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप आपके देश से या आपकी जगह से या आपका पार्टनर आपके देश या आपके जो भी रहन सहन की जगह थी वहाँ से दूर हो सकते हैं. ओके, और सिलिटिक आया है सो मुझे ऐसा लग रहा है कि उस लाइफ में आपका जो थॉट प्रोसेस था वो थोड़ा ओल्ड थॉट प्रोसेस था या ओल्ड अंडरस्टैंडिंग थी रिलेशनशिप को लेके, या बहुत ही ट्रेडिशनल हो सकती है. और ट्रेडिशनल होने के कारण आपके और आपके पार्टनर में कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं जो अभी तक आपको कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रहे हैं. वन सेकेंड मुझे लग रहा है कि ये भी पॉसिबिलिटीज है कि आपके पार्टनर ने अगर आपका आपको छोड़ा है उस लाइफ में और आपकी लव लाइफ अफेक्ट हुई है उस लाइफ में क्योंकि आपका थॉट प्रोसेस ओल्ड स्कूल के जैसा था, तो आपने कुछ वाउज लिए हैं. ये दो तरीके से हो सकते हैं, या तो आपने पूरी तरह से जैसे हम बोलते हैं संन्यास लिया हो, वो हो सकता है, जैसे कि नन पोप या ऐसे कुछ, यू नो, मतलब ऐसा कोई क्या बोलते हैं, ट्रेडिशनली आपने कुछ क्या बोलते हैं लाइफ अपना ली हो और इस वजह से आपने वाव लिया हो कि आप कभी दूसरे रिलेशनशिप में ना नहीं जाएंगे क्योंकि आप कमिटेड थे अपने स्पिरिचुअल पाथ को लेकर. ये हो सकता है. सेकेंड हो सकता है कि आपने कोई और वाव लिया हो बिकॉज ऑफ समवेयर, मुझे थोड़ा सा हिडन एंगर लग रहा है, तो वो एंगर में भी वाव हो सकते हैं. दूसरा हो सकता है कि आपने आपके पार्टनर को ये प्रॉमिस किया था कि आप कभी उन्हें नहीं छोड़ेंगे या आप हमेशा उनका साथ देंगे, तो अब जब सिचुएशन अगर थोड़ी सी अनहेल्दी भी रहती है तो आप उनको नहीं छोड़ पा रहे, अगर आपके मन में है भी कि आपको मूव ऑन करना है या आपको कहीं पे आपके मन में ये डाउट भी है कि दिस इज़ नॉट वर्किंग, बट स्टिल आप उनके साथ हैं क्योंकि आपने कोई लाइफ टाइम में वाव लिया हो या कुछ ऐसे वाव्स हैं जो आप छोड़ नहीं पा रहे हैं. ठीक है, ये मुझे लग रहा है. देखते हैं आपने लेसन्स क्या कैरी फॉरवर्ड किए हैं या आपके क्या लेसन्स रहे हो. तो पहला है सेल्फ एस्टीम. तो हो सकता है क्योंकि आपने रिजेक्शन या आपने अबैंडनमेंट में एक्सपीरियंस किया था, उस वजह से आपको लो सेल्फ वर्थ हो या आपको लगता हो आपकी सेल्फ एस्टीम पे बहुत ही आघात हुआ है या आपकी सेल्फ एस्टीम बहुत हर्ट हुई है, और इस लाइफ में भी आप अपने बारे में कई बार लो महसूस करते हो, तो आप कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यू आर ऑलरेडी वर्किंग, मतलब आप उसके तरफ ऑलरेडी काम कर रहे हैं कि आप उसमें से कैसे बाहर आए. क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि आई पोजेस द गिफ्ट्स ऑफ सोल दैट बेनिफिट्स मी एंड अदर्स. ओके, तो आप वो कोशिश कर रहे हैं. सेकेंड है एनवी. तो हो सकता है आपका जो लेसन आपने उस लाइफ से इस लाइफ में जो आप डील कर रहे हैं वो है एनवी. तो हो सकता है कि लोग आपसे एनवीएस हो वन, या आप किसी से अभी भी एनवी फील करते हैं बिकॉज मुझे लगता है कि एक थर्ड सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे आपके पार्टनर ने आपको किसी और के लिए छोड़ा हो, ये भी पॉसिबिलिटी है. सो ये फीलिंग देती है हमें थोड़ा सा कि यू नो कि जेलसी या एनवीएस फीलिंग देती है. अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे भी तीन चार रोजेज हैं. ओके, और यहाँ पे दो व्यक्ति हैं, तो हो सकता है कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहा हो रिलेशनशिप हो लाइफ में और इस वजह से ये फीलिंग रही हो एनवीएस. ओके, तो और क्या मैसेजेस हो सकते हैं या क्या लेसन्स हो सकते हैं. ओके, तो हेल्थ आया है. तो हो सकता है कि आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुई हो या ऐसी सिचुएशंस रही हो जहाँ पे अभी भी आपको हेल्थ इश्यूज आते हों. अगर आपको हेल्थ इश्यूज आते हैं तो मैं बोलूँगी कि आप एक बार किसी थेरेपिस्ट को ज़रूर कंसल्ट करिए जस्ट टू अंडरस्टैंड कि उसका मेटाफिजिक्स क्या हो सकता है. क्योंकि जैसे कि कल जब मैं आज ये रीडिंग कर रही हूँ, बट कल मैंने एक केस लिया था जिसको चेस्ट में पेन था और उसका चेस्ट का पेन इट वॉज कनेक्टेड टू हर पास्ट लाइफ. सो हो सकता है इस लाइफ में अगर आपको चेस्ट में कोई इश्यूज हैं या और कहाँ हो सकता है, चेस्ट में लग रहा है मुझे, या स्टमक रिलेटेड भी इश्यूज हो सकते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके पास्ट लाइफ से अफेक्टेड हैं.
ठीक है, आप ये अफर्मेशन कर सकते हैं दैट आई विल ऑनर द फिजिकल वेसल दैट एनरिच माई सोल. सो यू विल ऑनर योर बॉडी. सो हो सकता है आपका बॉडी, आपकी बॉडी आपको मैसेज दे रही है फॉर सर्टन सिचुएशंस. अगर ये पास्ट लाइफ का नहीं भी हो तो भी आपकी बॉडी आपको मैसेज दे रही है. प्लीज लिसन टू योर बॉडी इज एन एक्यूरेट बैरोमीटर ऑफ ट्रूथ. बॉडी विल नेवर लाई. बॉडी जो बोलती है वो सच बोलती है. तो देखिए आपको कैसा लगता है आपके बॉडी में, आप कंफर्टेबल है नहीं कंफर्टेबल है, आपको एनर्जी कैसी लगती है, बिकॉज आपकी बॉडी आपको कुछ बताना चाह रही है बट आप उसको निग्लेक्ट कर रहे हैं, तो आप निग्लेक्ट नहीं करिए. फिर दूसरा आया है फ्रेंडशिप. तो हो सकता है कई लोग, दो तीन सिनेरियोज हैं कि एक तो जो आपके पहले पार्टनर थे उस लाइफ में, वो इस लाइफ में आपके फ्रेंड हो सकते हैं वन, क्योंकि कई बार सोलमेट्स खाली वो नहीं होते जो हमारे पार्टनर या स्पाउस रहे हों या रोमांटिक पार्टनर रहे हों, वो भी होते हैं जो हमारे लाइफ में हमें हेल्प करते हैं. ठीक है, तो हो सकता है कि अभी आपके कोई फ्रेंड सर्कल में ऐसे व्यक्ति हैं जो आपकी फ्रेंडशिप है उनसे, और वो ना मतलब मुझे अच्छा लग रहा है कि अच्छी फ्रेंडशिप है, इट्स नॉट लाइक कि कुछ नेगेटिव है, ये पॉसिबिलिटी है. अगर कहीं पे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो आपके लो सेल्फ एस्टीम और एनवी फीलिंग के वजह से है, तो इट्स हाई टाइम कि आप डिटॉक्स करें, ऐसे लोगों को अपने स्पेस से जाने दें, क्योंकि हो सकता है वो भी आपके किसी पास्ट लाइफ से आए हों. ठीक है, और ये कार्मिक सिचुएशंस हो सकती है जहाँ पे अगर हम विक्टिम फील कर रहे हैं, अगर आप विक्टिम फील कर रहे हो तो हो सकता है किसी लाइफ में आप विक्टिमाइज कर रहे हो, तो फगीवनेस करिए, लेट गो करिए, उससे आपको हेल्प मिलेगी. आप क्या सरेंडर कर सकते हैं, सरेंडर सेटिंग लिमिट्स. तो नो बोलना सीखिए, ना बोलना सीखिए. जो आपको ठीक नहीं लगता है उसके लिए आप नो बोलिए. इट्स ओके टू से नो इंस्टेड ऑफ कि सारा आप अपने ऊपर ले लीजिए, क्योंकि कई बार लो सेल्फ एस्टीम में रहने के वजह से हम पीपल प्लीजिंग पर्सनालिटी में चले जाते हैं, तो आप उसमें मत जाइए. नो बोलिए, सेट बाउंड्रीज बनाइए, चाहे वो फ्रेंडशिप हो, रिलेशनशिप्स हो. अगर ऐसे कोई रिलेशनशिप में आप हैं जहाँ पे आपकी सेल्फ एस्टीम को अफेक्ट हो रहा है, तो बेटर है कि आप थोड़ा सा डिस्टेंस बनाएं, स्टेप बैक करिए और हेल्दी डिस्टेंस बना के सेल्फ रिस्पेक्ट को चुनिए. ओके, उसके वजह से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी टू हैव अ गुड पार्टनरशिप विद द सेम पार्टनर और विद सम अदर पार्टनर. ओके, फिर मैंने पूछा था कि और क्या मैसेजेस स्पिरिट्स का और गाइड्स का आपके पास्ट लाइफ और इस लाइफ में लव लाइफ को लेकर, या क्या मैसेज क्या कर सकते हैं आप. तो पहला कार्ड है ग्राउंड योर सेल्फ अगेन, कनेक्ट टू अर्थ. अगर खास करके अगर हम कोई डिफिकल्ट रिलेशनशिप में रहे हैं तो, एंड ऑफकोर्स लो सेल्फ एस्टीम में रहे या हेल्थ इश्यूज हैं, हेल्थ इश्यूज हमेशा मतलब कोई ड्रास्टिक या क्रॉनिकल होना ज़रूरी नहीं है. इट कैन बी सिंपल ऑल्सो, लाइक स्टमक एक, हेड एक, पेन इन योर बैक आई फील ऑल्सो. सो ये भी हो सकता है बैक पेन हो आपको, या खास करके बैक ऑफ हार्ट या लोअर बैक, क्योंकि इवन अपर बैक, बिकॉज कई बार हम हमारे इमोशंस को स्टोर करते हैं बॉडी में, तो वो अनहील्ड इमोशंस कॉज अस पेन. और यहाँ पे आप देखिए जब आप ग्राउंडिंग करेंगे तो यहाँ पे कैसे बैक बताया है और साथ ही में ट्रीज बनाए हैं और बर्ड्स फ्लाई कर रहे हैं, तो आपको आपके जो भी सिचुएशन है उससे फ्रीडम मिलेगा. ओके, मैंने बहुत बारे ग्राउंडिंग टिप्स दिए हैं बट फिर से मैं बोलूँगी, अर्थ पे कनेक्ट करने के लिए बहुत सारे ग्राउंडिंग मेडिटेशंस अवेलेबल है यूट्यूब पे, आप वो देख सकते हैं या फॉलो कर सकते हैं. अभी तो लॉकडाउन है बट अगर आप ऐसे टाइम पे सुन रहे हैं ये वीडियो जब लॉकडाउन नहीं है, तो घास पे चलिए, गार्डनिंग करिए, इवन कभी कई बार घर का काम करना भी ग्राउंडिंग है. म्यूजिक सुनिए या डांस करिए या कोई फिजिकल एक्टिविटी करिए, समथिंग टू डू विद यू विच विल हेल्प यू टू मतलब जो आपको हेल्प करेगा आपके सेल्फ एस्टीम को बढ़ाने में. ओके, दूसरा वो बोल रहे हैं सोल सॉलिट्यूड. देखिए कितना क्लटर है आसपास. क्लैरिटी लाने के लिए ज़रूरी है कि आप खुद के साथ खुद थोड़ा टाइम बिताइए और हेल्प करिए अपने आप को टू कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन, क्योंकि आपके पास वो सारे आंसर्स हैं. इट्स जस्ट दैट मुझे लगता है कई बार वो करेज नहीं आ रहा है टू टेक स्टेप इन दैट डायरेक्शन, एंड इट्स ओके. मतलब ऐसा नहीं है कि आपको क्यों नहीं आ रहा है, हो सकता है वो वाव के वजह से भी नहीं आ रहा है, कि इंटेलेक्चुअली पता है
या हो सकता है हार्ट में पता है बट लेकिन हो नहीं रहा है, तो आप वो रिलीज करिए। कुछ लोगों के लिए ये थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है। थर्ड पार्टी सिचुएशन यानी आपके पार्टनर या तो किसी और से अट्रैक्टेड है, या आप रिलेशनशिप में होने के बावजूद किसी और से अट्रैक्टेड है। अगर ऐसा भी है तो वो भी वाउस के अंदर हो सकता है, तो आप रिलीज कर दीजिए। आप डिसाइड करिए आपको क्या चाहिए, ठीक है? क्योंकि नो बोलना आना चाहिए आपको, ठीक है? फिर मैंने पूछा था कि हायर सेल्फ क्या कह रहा है आपको, तो उन्होंने बोला था पोर्टल, उन्होंने बोला है आई मीन पोर्टल आपके हायर सेल्फ ने, डोर्स आर ओपनिंग, यू डिसाइड, रिवॉर्ड्स एंड वाइल्ड कार्ड, मतलब आप डिसाइड करिए आपको क्या चाहिए और आपके हिसाब से आप आपकी लाइफ जी सकते हैं। आपके लिए सारे दरवाजे ओपन हैं, बस आपको चॉइस करनी है। दूसरा उन्होंने बोला द गोल्डन चिल्ड्रन, इनर चाइल्ड, टेंडरनेस, इनोसेंस, रेयर गिफ्ट्स। तो कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने, क्योंकि लो सेल्फ एस्टीम है और लव लाइफ वाला भी कार्ड आया है, तो हो सकता है अपने बचपन में कुछ अनहेल्दी रिलेशनशिप्स देखे हैं जो आपने अडाप्ट किए हैं और इनर चाइल्ड आया है, तो आप वहाँ पे हीलिंग करिए, आप वहाँ पे काम करिए और उन इनर चाइल्ड के साथ कनेक्ट करिए अपने, जो आपको हेल्दी लगते हैं, यानी जो आपको मोटिवेट करते हैं, अपना खुद का इनर चाइल्ड जो आपको एक मोटिवेट करता है, इंस्पायर करता है या फील गुड करवाता है, दैट विल रियली हेल्प यू। दूसरा उन्होंने बोला है टेंडरनेस, सॉफ्ट रहिए अपने प्रति, बी जेंटल विथ योर सेल्फ, ओके। रेयर गिफ्ट, इसका मतलब आपके अंदर कुछ ऐसे गुण हैं जो रेयर हैं, तो प्लीज़ आप उनको एक्सप्लोर भी करिए। आपके लिए एक बेटर फ्यूचर स्टोर है, आपका हायर सेल्फ आपको बहुत सारा लव, अनकंडीशनल लव, इवन गाइडेंस आई फील, क्योंकि दोनों दोनों कार्ड्स में ना डोर ओपन है, तो आपके लिए गाइडेंस भी अवेलेबल है और सपोर्ट अवेलेबल है। आप देखिए यहाँ पे कितने सारे लोग हैं, तो हो सकता है लोग आपको सपोर्ट करें, आपके सोल ग्रुप है, और जिस दिन आप डिसाइड करेंगे ना कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे ये गेट से क्रॉस करना है, उस दिन ये सारे लोग आपके साथ आ जाएंगे। यू आर नॉट अलोन, आप अकेले नहीं हैं, आपके लिए यूनिवर्स है, खड़ा है आपको हेल्प करने के लिए। यस, एंड देखते हैं एंजल्स का क्या मैसेज है। ओके, सो लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज तब आता है जब हमारी नीड होती है कि हमारी सिचुएशन हमारे हिसाब से हो, और कई बार वो हमारे हिसाब से नहीं हो सकती है, या कई हम चाहते हैं कि लोग हमारे हिसाब से हो, तो वो भी नहीं हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कई लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके बच्चे हैं और उनके पार्टनर बहुत ही उनके साथ डिटैच रहते हैं, और वो अपने बच्चों की वजह से, हो सकता है अपने पार्टनर के साथ हैं, और मुझे कहीं पे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पार्टनर थोड़े से डिटैच या एरोगेंट हो सकते हैं, या थोड़ा सा एटीट्यूड हो सकता है, वेल्दी हो सकते हैं, या अच्छा काम कर रहे हैं, तो हो सकता है आप उनके ऊपर फाइनेंशियली भी डिपेंडेंट हो या किसी तरह से डिपेंडेंट हो सकता है कल्चरल या कम्युनिटी अंडरस्टैंडिंग हो, या सिलेटिक आया था, तो हो सकता है कि ओल्ड थॉट प्रोसेस है आपका इस वजह से, बट इसीलिए आप उनके साथ अभी रह रहे हैं। बट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप कंट्रोल नहीं करिए सिचुएशन को, नेचुरली अनफोल्ड होने दीजिए, आप बस स्टेप बैक करिए। और दूसरा, अगर विक्टिम रोल है, यानी पावर प्ले चल रहा है, पावर प्ले वहाँ पे जहाँ पे राइट और रॉन्ग चल रहा है, कि वो राइट है कि मैं राइट हूँ, कि वो रॉन्ग है मैं रॉन्ग, जो भी है आपका, तो उस टाइम पे तो बहुत ज़रूरी है कि एक जन प्ले करना छोड़ दे, तभी वो सिचुएशन रिजॉल्व होती है। अगर आप नया पार्टनर देख रहे हैं तो ऑल द मोर आपके पास्ट को आप लेट गो करिए, वाउस को लेट गो करिए जो आपको आगे नहीं जाने दे रहा है रिलेशनशिप में, या आपको वो पार्टनरशिप अट्रैक्ट नहीं करने दे रहा है, क्योंकि लव लाइफ के साथ वाव आया है, तो डेफिनेटली आपने कोई ऐसा वाव लिया है जो आपको अफेक्ट कर रहा है। अगर आप मेरे कुछ पुराने वीडियोस देखेंगे तो उसमें मैंने वाउस के बारे में डिटेल में थोड़ा सा शायद बताया है, तो मैं आपको खाली जो स्टेटमेंट आप बोल सकते हो वाव रिलीज करने के लिए, वो मैं ज़रूर पोस्ट कर दूंगी, तो आप वहाँ से आप वो पढ़ सकते हो। और कॉन्शियसली डिसाइड करिए कि इस लाइफ में इस टाइम पे आप क्या चाहते हैं। डेफिनेटली इनर चाइल्ड पे थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। फिर रिकन्सिलिएशन आ रहा है, इसमें मुझे दो चीज़ लग रही है कि या तो आप आपके जो एक्स है वो आ सकते हैं, बट यहाँ पे क्योंकि ये बादलों में है तो मुझे लगता है हो सकता है कि अगर आप नए पार्टनरशिप में जाना चाहते हैं तो कोई आपके पुराने लाइफ टाइम से, यानी कोई
पास्ट लाइफ से कोई पार्टनरशिप आपके लाइफ में आ सकता है, बट कंट्रोल इशू को जाने दीजिए, आप यूनिवर्स में डाल दीजिए एंड बी ओपन टू रिसीव, द यूनिवर्स विल सेंड दैट पर्सन टू यू. फिर अट्रैक्शन, इन द मोमेंट में रहिए, कैसे नो, टेक अ पॉज एंड डीप ब्रेथ एंड हैव सम टाइम टू एन्जॉय योर लाइफ, लाइक एज सिंपल एज यू नो स्टॉपिंग बाय एंड लुकिंग एट द गार्डन और लुकिंग एट द फ्लावर्स और टेकिंग अ फ्रेगनेंस ऑफ द फ्लावर्स. ऐसा कुछ करिए जो आपको इन द मोमेंट में रखे, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली यू विल अट्रैक्ट अ रोमांटिक पार्टनरशिप. सो एन्जॉय द मोमेंट फुल्ली, ठीक है, डू नॉट ट्राई एंड कंट्रोल कि कब होगा, कैसे होगा, ये तो हो नहीं रहा है, ये सारे क्वेश्चंस ड्रॉप कर दीजिए. सो ये थी आपके लिए रीडिंग, आई होप आपको अच्छी लगी हो, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसे रेजोनेट हुआ, कैसे कनेक्ट हुआ. लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और बहुत सारा आपको प्यार है, आप सेफ रहिए, आप अच्छा डिज़र्व करते हैं, अच्छा पार्टनर डिज़र्व करते हैं, अच्छा रिलेशनशिप डिज़र्व करते हैं, और आपका पहला रिलेशनशिप है खुद के साथ, तो पहले वहाँ पे अगर आप करेंगे, हेल्दी बाउंड्री बनाएंगे, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा. ओके, थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव टू यू, बाय, हैव एन अबंडेंट लाइफ. अब हम जाते हैं दूसरे सेट के तरफ से, दूसरे सेट के तरफ, जो कि था, ये था शायद ग्रीन टी, मैं भी ग्रीन टी पी लेती हूँ. तो जिन्होंने भी ग्रीन टी सिलेक्ट किया है, वेलकम बैक, देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स हैं. तो मैंने डिफरेंट सेगमेंट्स में ये रखा है, एक तो आपकी पास्ट लाइफ क्या कह रही है, दूसरा आपके क्या लेसन्स रहे होंगे जो आपने अभी कैरी फॉरवर्ड किए हैं, आप सीख रहे हैं या आपको सीखने की ज़रूरत है, एंजल्स का क्या मैसेज है, स्पिरिट्स का क्या मैसेज है, और आपके हायर सेल्फ का क्या मैसेज है, साथ ही में आप क्या सरेंडर कर सकते हैं. तो क्वाइट अ लॉट ऑफ कार्ड्स हैं. पहला कार्ड है फार्म, लेसन्स एंड ब्लेसिंग्स, द आर्ट्स, फॉरगिवनेस, ये पास्ट लाइफ का कार्ड थे. फिर आपके लेसन्स क्या हैं और ब्लेसिंग्स क्या हैं उस लाइफ से, आपने क्या समझा है, क्या आप समझ रहे हैं. ओके, हैप्पीनेस, इमेजिनेशन, सरेंडर, डेथ. सबसे पहली बात दो हम रिलेशनशिप के ऊपर कर रहे हैं, बट आपकी रिलेशनशिप पास्ट लाइफ में बहुत हद तक अफेक्टेड है विथ आर्ट्स. आर्ट्स इज समथिंग यू नो, सम क्रिएटिव टैलेंट लाइफ, और वहाँ पे जो कुछ हुआ है वो आपको इस लाइफ में भी क्रिएटिव आपका एक्सप्रेशन रुका हुआ है, विच इज़ अगेन अफेक्टिंग योर लव लाइफ. तो दो कि जो कि आपको पता है कि आपके बहुत सारे लेसन्स और ब्लेसिंग्स रहे हैं उस लाइफ से, तो इस लाइफ में भी आप उसको एन्जॉय कर रहे हैं, बट अभी भी कुछ आपको समझने की ज़रूरत है. और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वो बोल रहे हैं आपको सरेंडर करने के लिए, डू नॉट ट्राई एंड अंडरस्टैंड एवरीथिंग एट वंस, मतलब सब कुछ एक साथ समझने की आपको ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा. क्योंकि वन ऑफ द थिंग जो आपको करना है या आपको कैरी फॉरवर्ड हुआ है उस लाइफ से, वो है फॉरगिवनेस, खास करके शायद खुद को लेकर, क्योंकि हो सकता है कुछ पेनफुल एक्सपीरियंसेस रहे हैं, क्योंकि डेथ कार्ड आया है, और हो सकता है कि डेथ आपकी कुछ पेनफुल रही हो. वन, खास करके अगर आपने कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट में आप थे, लाइक सिंगिंग हो सकता है खास करके, क्योंकि या कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो सकता है क्योंकि यहाँ पे गिटार है, बट नेवर दी लेस कोई और भी टैलेंट हो सकता है, आर्ट्स फॉर्म हो सकता है, जिस वजह से आपकी ये लाइफ अफेक्टेड है. तो देखिए इस लाइफ में आप म्यूज़िक को कितना एंजॉय करते हैं, या किस तरीके का म्यूज़िक आपको अच्छा लगता है, या आपको कोई ऐसा है क्या कि आपको कोई इंस्ट्रूमेंट सीखना है या गाना सीखना है, कुछ भी, बिकॉज वो आपका एक क्रिएटिव एक्सप्रेशन है, आप उसको प्लीज़ एक्सप्लोर करिए. ये वन ऑफ द मैसेज मुझे लग रहा है आपके लिए. दूसरा मुझे लगता है कि फॉरगिवनेस, ऑफकोर्स जैसे मैंने बोला, क्योंकि आपके लिए लेसन्स और ब्लेसिंग्स थे, और वो आप इस लाइफ में आपको हेल्प कर रहा है. ओके,
जो भी आपने उस लाइफ में लेसन्स आपके थे या आपकी ब्लेसिंग्स रही हैं। और दूसरा हो सकता है आप एक वैसे व्यक्ति हैं जो खुद के साथ रहना पसंद करते हैं, नॉट लोनली बट खुद के साथ रहना आपको अच्छा लगता है। अगर लोनलीनेस है तो वो भी आप देखिए कि क्यों है, कहाँ से आ रहा है ये लोनलीनेस, क्योंकि मुझे लग रहा है कि गाइड्स और स्पिरिट्स तो आपके साथ हैं, क्योंकि यहाँ पे कार्ड आया है हैप्पीनेस। तो हो सकता है आपको खुशी मिलती है फार्म पे रहना, कंट्री साइड में रहना, या एनिमल्स के साथ रहना। हो सकता है आप एनवायरनमेंट के लिए कुछ करना चाहते हो, वो भी एक चीज़ हो सकती है। दूसरा, ये आपके लाइफ का वन ऑफ द लाइफ का पर्पस रहा है और है टू हैव फन, टू एन्जॉय लाइफ, टू एक्सपीरियंस हैप्पीनेस एंड जॉय। तो क्या आप वो कर रहे हैं, और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपको क्या रोक रहा है वो एक्सपीरियंस करने से, या वो लाइफ में वो एन्जॉय या फन करने से। इवन रिलेशनशिप अगर आपको एन्जॉय करनी है तो आपको क्या रोक रहा है टू हैव फन। ओके, ज़्यादातर जब नॉन फगीवनेस होता है तो हम रुक जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, रिजेंटमेंट, और रिजेंटमेंट थोड़ा बिटर टेस्ट लेकर आता है, राइट। सो लेट गो करिए पास्ट को, या फिर आपके जो भी आपको फीलिंग है जहाँ पे यू आर नॉट एबल टू लेट गो समथिंग, तो आप उसको लेट गो करिए। इमेजिनेशन रखिए, बिकॉज आपका, अगर आप क्रिएटिव हैं तो आपका इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग होगा। क्रिएटिव लोगों का इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग होता है। द रीज़न इज क्रिएटिव इज सोलार, सॉरी सेक्रल चक्र, यानी स्वादिष्टान चक्र है, जो कि कनेक्टेड है थर्ड आई से। तो अगर आपका मैं बार बार सोलार बोल रही हूँ, तो हो सकता है कि आप सोलार चक्र पे भी काम करिए, बट मुझे लगता है सोलार से ज़्यादा आप सेक्रल चक्र पे काम करिए। यहाँ पे डेथ कार्ड भी आया है, और जो कि रेड और ऑरेंज है, तो इट्स लाइक रूट चक्र है। तो अगेन ग्राउंडिंग करिए, और दूसरा फगीवनेस तो आपको करना ही बोला है। फगीवनेस इज सिंपल है, बस सिंपल स्टेटमेंट बोलिए, लाइक आई फगीव यू, यू फगीव मी, आई फगीव माई सेल्फ, यू आर फ्री एंड आई एम फ्री। सिंपल, फगीवनेस इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड। हम लेट गो नहीं करना चाहते वो कॉम्प्लिकेटेड है। ओके, दूसरा, हाँ मैं बोल रही थी कि तो अगर सेक्रल हील होता है तो विजन अपने आप क्लियर हो जाता है, राइट, क्योंकि क्रिएटिविटी एनहांस होती है, तो हमें ज़्यादा चीज़ें अच्छे से समझ में आती हैं, ज़्यादा चीज़ें हम फोकस कर पाते हैं, चाहे वो लव लाइफ हो या हमारी जनरल लाइफ हो। ठीक है, अब हम देखते हैं कि और क्या मैसेजेस हैं गाइड्स, स्पिरिट गाइड्स के आपके लिए, और फिर हम एंजल मैसेज भी देखेंगे, और सरेंडर आप क्या कर सकते हो। तो आप सरेंडर करिए स्पिरिट्स को, कि आप जो कर सकते थे वो सिचुएशन में आपने किया, अब आप अटैच मत रहिए रिजल्ट से। लेट द स्पिरिट्स हेल्प यू टू नेचुरली अनफोल्ड। ठीक है, हाँ ठीक है। फिर आप क्या कर सकते हो, ब्रीद। हम इंडियंस में तो बहुत ही कॉमन है ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, प्राणायाम। तो आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, उससे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगा, बिकॉज वो आपको हेल्प करेगा फगीवनेस के लिए। ओके, तो वो करिए, क्योंकि ब्रीदिंग एक्सरसाइज या ब्रीद करने से, यानी आप फ्री महसूस करेंगे, फ्रीडम महसूस करेंगे। ठीक है, तो वो ज़रूर आप करिए। और फिर बताया उन्होंने ग्रैटिट्यूड, यानी थैंकफुल रहिए। अगेन लेसन्स और ब्लेसिंग्स के साथ ये कार्ड आया है, तो थैंकफुल रहिए। हर एक चीज़ हमारे लाइफ में, हमने अगर जन्म लिया है इस पृथ्वी पे, और अगर कभी और टाइम और स्पेस में भी लिया था, तो हम इवॉल्व हो रहे हैं। कोई भी चीज़, कोई भी सिचुएशन इज़ एन एक्सपीरियंस। ओके, चाहे कितनी ही ख़राब या कितनी ही अच्छी हो, इट इज़ एन एक्सपीरियंस, और वो एक्सपीरियंस हमें इवॉल्व करने में हेल्प करता है। तो ग्रैटिट्यूड में रहिए, खास करके अगर कोई डिफ़िकल्ट लोग हैं आपके लाइफ में, या कोई डिफ़िकल्ट रिलेशनशिप्स हैं आपके लाइफ में, तो ग्रैटिट्यूड में रहिए, बिकॉज वो आपको हेल्प करेगा कि आप इस सिचुएशन से बाहर आए। देन रोमांस एंजल्स का क्या मैसेज है, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, हनीमून, सोलमेट, कॉलिंग इन योर सोलमेट, एंड यू डिजर्व लव। तो आप लव डिज़र्व करते हैं, ये आपको समझना है। आप फ्रेंड से हेल्प लीजिए, आपके फ्रेंड्स आपको हेल्प कर सकते हैं आपकी सिचुएशन में। ये फ्रेंड सर्कल
जो है आपका, आप उनसे सपोर्ट मांगिए। आप खास करके अगर आप फ्रेंड आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, या ये फ्रेंड आपके कोई भी फ्रेंड हो सकते हैं, कि आप उनकी एडवाइस लेके आप कैसे अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। स्टक रहने की आपको ज़रूरत नहीं है। या हो सकता है कि आपके फ्रेंड्स आपसे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल, तो आप ग्रैटिट्यूड में रहिए ऐसे फ्रेंड सर्कल्स आपके लाइफ में होने के लिए, क्योंकि लव एक इमोशन है, एक एक्सपीरियंस है, एक वाइब्रेशन है। इट्स नॉट कन्फाइंड टू खाली रोमांटिक पार्टनर या कोई क्या बोलते हैं रिलेशनशिप। लव इज़ एन वाइब्रेशन। तो अगर आपको रोमांटिक पार्टनरशिप में, समझो नए रिलेशनशिप में जाना है, जो कि कॉलिंग इन योर सोलमेट आया है, तो ऑल द मोर आपको ग्रेटफुल रहना है जो लविंग पीपल है आपके लाइफ में, और वो आपको हेल्प कर सकते हैं आपको नए पार्टनरशिप में जाने के लिए। यहाँ पे एक दूसरा हो सकता है कि वो आपको लिटरली हेल्प कर सकते हैं आपके रिलेशनशिप इम्प्रूवमेंट में, या आपको आपके पार्टनर से, यानी हो सकता है कि नए, जो लोग नए रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, कि वो पार्टनर आपके फ्रेंड सर्कल में ऑलरेडी है, यानी फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड हो सकते हैं, या फ्रेंड के कोई नोन पर्सन हो सकते हैं, या आपके फ्रेंड के थ्रू उन्हें मिले। हनीमून आया है, तो रिलेशनशिप में अगर आप ऑलरेडी हैं, तो प्लीज़ स्पेंड टाइम विथ योर पार्टनर, गो ऑन अ हॉलीडे। उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी टू अंडरस्टैंड ईच अदर, टू गिव सम टाइम टू ईच अदर। दूसरा हो सकता है, अगर आप नए रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, तो हो सकता है आप ट्रैवलिंग के दौरान उनसे मिले, और फार्म है तो हो सकता है फार्म पे मिले, या कोई कंट्री साइड पे मिले, या कोई ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत सारा ग्रीनरी या बहुत सारे क्या बोलते हैं माउंटेन्स हो, ये हो सकता है, या एनिमल्स हो, या एनिमल लवर हो, ये भी पॉसिबल है। तो स्पेंड टाइम विथ योर सेल्फ, दैट विल ऑल्सो हेल्प यू। अब हायर सेल्फ क्या कह रहा है आपको, चाइल्ड ऑफ द कॉस्मोस, द इंटेलिजेंस ऑफ द यूनिवर्स लाइज विद इन यू। मतलब वो विजडम, वो थॉट्स, वो अंडरस्टैंडिंग सब आपके अंदर है, बस आपको खुद के साथ टाइम बिताने की ज़रूरत है, जो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि आपको क्या करना है नेक्स्ट। क्योंकि वो पूरा जो विजडम है वो आपके अंदर ही है, बस आपको उसको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। आया है स्टार ब्रदर्स, हॉरस एनर्जी, प्रोटेक्शन, लॉयल्टी, सेफ्टी एंड ट्रस्ट। तो हो सकता है इस लाइफ में थोड़ा सा आपको दिक्कत होती है ट्रस्ट करने में लोगों पर, ये पॉसिबिलिटीज हैं। तो हायर सेल्फ आपको कह रहे हैं कि आपको बस बोलना है यूनिवर्स में कि मुझे सिर्फ ट्रस्टवर्दी लोग चाहिए, साथ ही में फगीवनेस करिए, लेट गो करिए। जो लोग आपको लगते हैं कि आपके फ्रेंड्स नहीं हैं या लॉयल नहीं हैं आपसे, तो आप उनको लेट गो करिए, क्योंकि आप प्रोटेक्टेड है, डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। और अगर आप नए रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, तो आपके हायर सेल्फ बोल रहे हैं कि आपने ऑलरेडी अपने पे काम किया है, तो आप डरिए नहीं कि नया रिलेशन कैसा होगा, या लॉयल पर्सन होगा या नहीं होगा। नहीं, आप क्लियर रहिए कि आप क्या मांग रहे हैं यूनिवर्स से, ठीक है। और ये कार्ड आया है इमेजिनेशन के साथ, तो हो सकता है विजुअलाइजेशन करिए, उससे बहुत हेल्प मिलेगी आपको रिलेशनशिप इम्प्रूवमेंट में, या नए रिलेशनशिप को अट्रैक्ट करने में, जो कि बहुत ही लॉयल होगा, ट्रस्टवर्दी होगा, आप वहाँ से प्रोटेक्टेड महसूस करेंगे। सो ये है रीडिंग आपके लिए, आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही हो। मुझे बहुत अच्छा लगा ये रीडिंग करके, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको ये रीडिंग कैसे लगी, और हम किसी और टाइम और स्पेस में मिलेंगे। सेफ रहिए, सारे गाइडलाइंस फॉलो करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं तो। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव टू यू, हैव एन अबंडेंट लाइफ, बाय। अब हम जाते हैं थर्ड सेट ऑफ, थर्ड के सेट की तरफ, जो कि है लेमन ग्रास। तो जिन्होंने भी लेमन ग्रास चुना है, उनके लिए क्या मैसेज है। मैंने बहुत सारे कार्ड्स पिक किए हैं डिफरेंट डेक से, तो आज आपके लिए बहुत सारे मैसेजेस हो सकते हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए कि मैं इसको अच्छे से आपको बता पाऊँ। तो मैंने देखा है कि पूछा है कि कौन से पास्ट लाइफ से क्या अफेक्टेड है, वन क्या लेसन्स या ब्लेसिंग्स आए हैं आपके पास वो, और साथ ही में मैंने पूछा है कि आपके लिए हायर सेल्फ का क्या मैसेज है और रोमांस एंजल्स का क्या मैसेज है। तो आया है अनरिक्विटेड लव,
ओके, मेल एंड फीमेल, कम्युनल लिविंग, नेटिव अमेरिकन। सो पहली चीज़ मुझे लगती है कि अगेन मुझे लगता है कि आपकी एक पास्ट लाइफ नहीं, दो तीन पास्ट लाइफ्स हो सकती हैं जो जहाँ से इस लाइफ में कुछ इम्प्रेशंस हैं उस लाइफ के। पहला है ऑफकोर्स ऐसी लाइफ जहाँ पे आपके रिलेशनशिप वन साइडेड रहा हो, अनरिक्विटेड लव आया है, तो आपके लव को रेसिप्रोकेट नहीं किया गया हो। हो सके तो आप फर्स्ट और सेकेंड थोड़ा सा आप चेक कर लीजिए, क्योंकि मुझे लगता है वहाँ पे भी सिमिलर कुछ इम्प्रेशंस थे। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपकी एक लाइफ नहीं, दो तीन लाइफ का एक्यूमुलेशन है। सो पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि सेकेंड कार्ड आया है मेल फीमेल, तो हो सकता है कि बहुत सारी लाइफ में आप डिफरेंट जेंडर रहे हो और इस लाइफ में आपका जेंडर डिफरेंट है। तो अगर बहुत सारी लाइफ में आप मेल रहे हो तो इस लाइफ में फर्स्ट टाइम आए फीमेल हो, तो बहुत सारी मैस्कुलिन एनर्जी हो सकती है आपके अंदर। और कई बार आप फीमेल से कैसे कनेक्ट करते हैं या मेल से आप कैसे कनेक्ट करते हैं, आप ज़रा चेक करिए, खास करके रोमांटिक पार्टनरशिप में हो सकता है। और अगर हो सकता है आप बहुत सारे लाइफ में फीमेल रहे, इस लाइफ में मेल हैं, तो भी हो सकता है कि आपकी लव लाइफ अफेक्टेड है वहाँ से, क्योंकि जेंडर कुछ चेंज हुआ है जिस वजह से भी इस लाइफ में आपको अफेक्ट हो रहा है। थोड़ा सा मुझे ना कहीं ऐसे रिवेंज वाली भी फीलिंग आ रही है। देखिए कि कई बार आपको क्या रिवेंज वाले थॉट्स आते हैं या फीलिंग्स आती हैं, बहुत ही कॉमन है। इट्स नॉट कि आपको अपने आप को जज करना है, बट अनरिक्विटेड लव है, तो हो सकता है कि वो अभी भी आपको फील होता है कि इस लाइफ में भी हो सकता है कि आप जिसके प्रति अट्रैक्ट होते हैं वो आपके प्रति अट्रैक्ट नहीं होते हैं, या अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो आपको ऐसा लगता है कि वन साइडेड एफर्ट है आपका या उनका, विच इज़ अगेन अफेक्टिंग। दूसरा है कम्युनल लिविंग, तो ये मुझे थोड़ा सा बताता है कि हो सकता है वो लाइफ में आप कम्युनल लिविंग, यानी जहाँ पे बार्टर सिस्टम था, जहाँ पे ज़्यादा सब कुछ जो डिसाइड होता था वो सब कम्युनल मिल के डिसाइड करते थे, इंडिविजुअल डिसीजन या चॉइसेस नहीं होते थे या इंडिविजुअल कुछ नहीं होता था। खास करके अगर फाइनेंशियल कुछ होता था तो भी वहाँ पे फाइनेंस जैसे ऐसा कुछ नहीं था, तो ये लाइफ में भी वो आपको अफेक्ट कर रहा है। फोर्थ है नेटिव अमेरिकन। नेटिव अमेरिकन आर वेरी वाइज पीपल, दे आर दिस ग्रुप में हैव पीपल जो हीलर्स हो सकते हैं, या जो नेटिव अमेरिकन के प्रति बहुत ज़्यादा उनका रुझान हो या अट्रैक्शन हो। मुझे ऐसा लगता है कि कभी हो सके तो ज़रूर ऐसे कंट्रीज़ विजिट करिए, जैसे स्कॉटलैंड है या कोई और कंट्री है जो आपको हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड द कल्चर, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं आपको इस लाइफ में आपके इंप्रेशंस हैं उस लाइफ के। ठीक है, मैं देखती हूँ कि आपके लेसन्स क्या थे और क्या अंडरस्टैंडिंग। ओके, वन ऑफ द लेसन्स इज फॉरगिवनेस। अगेन मैं बोल रही हूँ कि सेट टू ज़रूर देखिए अगर हो सके तो। तो फॉरगिवनेस है, बिकॉज अगेन ये अनरिक्विटेड लव अगर रहा है तो सेल्फ फॉरगिवनेस करिए, क्योंकि हो सकता है आप ऐसे रिलेशनशिप में रहे हो जहाँ पे आपने सेल्फ सैबोटेज किया है अपने आप को कि मैं क्यों ऐसी हूँ या क्यों ऐसा हूँ। तो फॉरगिवनेस करिए अपने आप को लेके और सामने वाले व्यक्ति को लेकर भी। ओके, और अगर आप ऑलरेडी कर रहे हैं तो एंजल्स गाइड बोल रहे हैं कि आप ऑन द राइट पाथ है, ठीक है, आप उस सिचुएशन से बाहर आ रहे हैं। दूसरा है गिल्ट, तो हो सकता है आपने किसी के प्यार को रेसिप्रोकेट नहीं किया हो और उस बात का आपको गिल्ट है, या आपने कुछ ऐसा किया है जिस वजह से आपको गिल्टी फील होता है। तो आप प्लीज़ अपने आप को वापस, यहाँ क्या लिखा है, आई रिलीज एनी बिलीव दैट नो लॉन्गर असिस्ट इन माई सोल्स ग्रोथ, ठीक है, तो वो आप बिलीफ रिलीज करिए। फिर आया है पर्पस, तो हो सकता है क्योंकि कम्युनल लिविंग नेटिव अमेरिकन के साथ ये कार्ड मुझे ऐसा लग रहा है कि आई नो व्हाट आई एम हियर टू डू, तो हो सकता है आपको बहुत हद तक क्लैरिटी है कि आपको क्या चाहिए इस लाइफ में, या आपको आपके रिलेशनशिप्स कैसे चाहिए, या आपको आपकी सिचुएशंस कैसी चाहिए, तो उसके प्रति आप कमिटेड रहिए, अपने तरफ से कमिटेड रहिए। बट एट द सेम टाइम गिल्ट को रिलीज करके, रिजेंटमेंट को रिलीज करके, ठीक है, तो वो वन ऑफ द लेसन्स हो सकते हैं आपके बहुत सारे लाइफ के। और हो सकता है इस लाइफ में आप बहुत सारा कार्मिक रिलीज कर रहे हैं और बहुत ही अवेयरनेस के साथ कर रहे हैं, विच इज अगेन अ गुड साइन, बहुत ही ग्रैटिट्यूड के साथ कर रहे हैं। सेकेंड सेट जरूर देखिए आप, क्योंकि उसमें भी ग्रैटिट्यूड आया था, फॉरगिवनेस आया था, ठीक है।
आप ग्रैटिट्यूड के साथ कर रहे हैं, आपको पता है कि आप यहाँ पे क्यों हैं, आप क्या करना चाहते हैं, आपको क्या चाहिए लाइफ से, रिलेशनशिप से, काफ़ी हद तक क्लैरिटी है, बट कहीं ना कहीं इमोशनल ग्रिप है स्ट्रॉन्ग, वो इस वजह से हो सकता है क्योंकि नॉन फॉरगिवनेस है। तो यहाँ पे लिखा है एक्नॉलेज दैट हार्बरिंग रिजेंटमेंट ब्लॉक्स द फ्लो ऑफ लव। ओके, सो लेट गो करिए। आप क्या सरेंडर कर सकते हैं? सरेंडर टू एफर्टलेसनेस। यहाँ पे लिखा है कि स्टॉप पुशिंग सो हार्ड, द आर्ट ऑफ लिविंग मीन्स गोइंग विद द फ्लो इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू फोर्स द रिवर। मतलब कुछ भी फोर्स करके नहीं करना है लाइफ में, ना रिलेशनशिप्स को, ना खुद को, किसी भी सिचुएशन को, सब कुछ एफर्टलेस करना होना चाहिए, यानी सब कुछ नेचुरली, ऑर्गेनिकली जो हम कहते हैं वैसा होना चाहिए, और फ्लो के साथ जाइए। तो ये सरेंडर करना है आपको, कुछ भी पुश नहीं करना है, ना लोगों को, ना अपने आप को, किसी भी चीज़ को पुश नहीं करना है, एफर्टलेसली या फ्लो के साथ करना है। फिर मैंने पूछा था स्पिरिट्स का क्या मैसेज है, तो इंस्पायर पैशन। कुछ ऐसा करिए जो आपको बहुत आप पैशनेट हो जिसको लेके, कोई भी चीज़ हो सकती है, खास करके हो सकता है हीलिंग हो सकती है, आई डोंट नो व्हाई आई फील कि हीलिंग हो सकती है, अगर नहीं तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी या कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पे आपको बहुत ही इंस्पायर्ड महसूस होता हो। तो ये एक आपके पास्ट लाइफ से भी आ रहा है कि कोई ऐसा पैशन है जो आपको एक्सप्लोर करना है, ठीक है। फिर टेक अ मूवमेंट, स्टेप बाय स्टेप करिए, चाहे रिलेशनशिप पे काम हो सकता है, अपने पे काम हो सकता है, या कुछ भी आपको चाहिए लाइफ में उसके लिए हो सकता है, खास करके लिए हेल्दी रिलेशनशिप, तो स्टेप टेक अ मूवमेंट, धीरे धीरे करिए, सब कुछ एक साथ समझने के लिए कोशिश मत करिए। यहाँ पे लिखा है स्टॉप, मतलब रुकिए, अभी टाइम नहीं है रश करने का या कुछ भी ज़्यादा करने का, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप पॉज लीजिए, अपने दिमाग को शांत करिए, और जो भी आपको गाइडेंस अवेलेबल है वो लेके आप आगे बढ़िए। तो आप देखिए फ्रीडम भी आपको महसूस होगा, बटरफ्लाइज है, रिलीज हो रहा है, तो टेक अ मोमेंट। ओके, रोमांस एंजल्स का क्या मैसेज है? डिसेप्शन। तो हो सकता है थोड़ा सा अवेयर रहिए, क्योंकि अनरिक्विटेड लव भी आया है, इल्यूजन में मत कोई भी डिसीजन या चॉइसेस लीजिए, एंड ड्रॉप योर गार्ड्स डाउन, लेट योर पार्टनर नो योर वल्नरेबल फीलिंग्स, एंड इफ द पर्सन, सॉरी हिंदी, आई एम सो सॉरी, तो अपने गार्ड्स को नीचे रखिए, और आपके पार्टनर के साथ आप वल्नरेबल होने के लिए तैयार रहिए। अगर आपके पार्टनर वो रिस्पेक्ट करते हैं तो एक्चुअली फिर वो आपके ट्रू पार्टनर है, अगर वो डिसरिस्पेक्ट करते हैं आपके फीलिंग्स को, तो एनीवेज आपको सोचने की ज़रूरत है कि आप उस रिलेशनशिप में क्यों हैं, ताकि आप उसको एक्सेप्ट कर सकें अगर आपको उसके साथ रहना है, या लेट गो कर सकें अगर आपको उसके साथ नहीं रहना है। ओके, तो डिसेप्शन है, और नए पार्टनरशिप में जाना चाहते हैं तो भी मैं बोलूँगी कि मास्क पहन के मत मिलिए किसी भी पर्सन को, आप जो ट्रू हैं, ट्रू सेल्फ है आपका, जैसे भी आप हैं आप वैसे मिलें, क्योंकि जो राइट पर्सन होगा वो आपको जैसे आप हैं वैसे ही आपको पसंद करेगा और एक्सेप्ट करेगा। ओके, या करेगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। दूसरा है रोमांटिक फीलिंग। तो जैसे कि मैंने बोला कि अनरिक्विटेड लव और मेल फीमेल था, तो हो सकता है कि लव पे से इतना ना स्ट्रॉन्ग बिलीफ नहीं आ रहा है। तो वो क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि पहले रेसिप्रोकेट नहीं हुआ है, तो अब ऐसा लगता है शायद कहीं ना कहीं आपको, क्या इज़ इट वर्थ फॉर मी कि मैं अपने लव को एक्सप्रेस करूँ, या अपने लव को एक्सप्लोर करूँ, या शेयर करूँ। तो एंजल्स बोल रहे हैं कि नहीं, आपकी रियल फीलिंग्स रियल हैं और आपको उनको एक्सप्रेस करना चाहिए, बट आप डिसेप्टिव होके मत करिए, ट्रू होके करिए, ताकि आपके पार्टनर भी आपके साथ सेफ फील करें और वो भी अपना एक्सप्रेस करें अपनी फीलिंग्स। डेफिनेटली आपके जो भी रिलेशनशिप है पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है, क्योंकि यहाँ पे तो कार्ड ही आ गया पास्ट लाइफ। तो यहाँ पे लिखा है कि आप एक दूसरे को पहले से जानते हैं, और अगर आप देखेंगे तो दोनों कार्ड में ऑलमोस्ट सेम तरीके से है, वो पार्टनर मेल पीछे फीमेल आगे है, ठीक है। सो जो ट्रू पार्टनरशिप है आपको बस पता होगा कि दिस इज माई पार्टनर, एंड ऐसा नहीं है कि यू विल जस्ट नो, आप इक्वली गिव एंड टेक रहेगा,
एक दूसरे के साथ, ठीक है। हायर सेल्फ क्या कह रहा है आपको, द कॉस्मिक हार्ट डिवोशन पोटेंसी मेक योर लाइफ अ मूविंग प्रेयर, मतलब इतना आप ग्रैटिट्यूड में रहिए और अपने पर्पस के साथ रहिए कि आपकी लाइफ एक मूविंग प्रेयर की तरह हो, मतलब हर पल आपको ग्रैटिट्यूड में रहना है, हर पल आपको अपनी लाइफ को एक मूविंग प्रेयर की तरह बनाना है। दिस इज सो ब्यूटिफुल। डिवोशन में रहिए, बिलीव में रहिए, सेकेंड है यू आर नॉट अलोन, आइसोलेशन फिजिकल कनेक्शन कम्युनिटी, वापस से कम्युनिटी आया है, कम्युनल लिविंग आया था और फीलिंग अलोन अनरिक्विटेड लव से आ सकता है। तो आपके हायर सेल्फ बोल रहे हैं कि आप अकेले नहीं हैं, आपके हायर सेल्फ आपके साथ हैं, आपके साथ लोग हैं, आपको बिल्कुल अकेला महसूस करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप उनको रिक्वेस्ट करिए कि आपको हेल्प चाहिए और आपके लिए हेल्प अवेलेबल रहेगी। ओके, मैं देख रही हूँ कि कुछ और मैसेज है। सबसे ज़्यादा सेल्फ फॉरगिवनेस करिए, ओके। और मुझे लगता है आपके अंदर सेल्फ हीलिंग सबके अंदर ही होती है, बट आप अपनी सेल्फ हीलिंग जो आपकी कैपेसिटी है उसको एक्सप्लोर करिए, हील करिए अपने आप को, लेट गो करिए गिल्ट को, ओके, और एम्ब्रेस करिए। टेक वन डे एट अ टाइम, अगर आपको लगता है बहुत सारा कुछ हमें करना है, कुछ नहीं करना है, बस आज का दिन है और आज के दिन मैं क्या कर सकती हूँ या कर सकता हूँ उस पर फोकस करना है, कुछ भी पुश करके नहीं करना है, नेचुरली अनफोल्ड होने देना है विथ ऑल लव एंड ग्रैटिट्यूड, ठीक है। आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही हो, मुझे बहुत अच्छा लगा ये रीडिंग करके, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपके लिए ये रीडिंग कैसी रही। लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को सेफ रहिए, हम फिर किसी और टाइम और स्पेस में मिलेंगे। आप अबंडेंट लाइफ आप जी सकते हैं, आप लव डिजर्व करते हैं, लॉट्स ऑफ लव टू यू, बाय।